ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। सो फर्स्ट वी हैव, दिस इज अ गिवन फिगर, दिस इज एंगल एक्स 50 डिग्री, एंड देन वाई, and this is 120 degree, clear? अब इन questions में क्या है कि जो diagram है x और y की unknown values जो हैं वो आपने find out करनी है। अब देखिए बेटा, clearly इस figure में हमने इससे पहले आपको मैं बता दूं कि line and angles में हमने linear pair भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप वो भी use कर सकते हैं, angle sum property भी use कर सकते हैं, कोई भी line और angles की कोई property आएगी वो भी आप use कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इस question में देखिए कि क्लियरली वाई एंड 120 डिग्री फॉर्म अ लीनियर पेयर, दोनों एडजस्टेंट एंगल पे और स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो वाई प्लस 120 कितना हो जाएगा? वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ऑफ रीजन आपने जरूर मेंशन करना है यहां पे, लीनियर पेयर, राइट? तो वाई की वैल्यू होगी आपकी 180 माइनस 120 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वाई हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट कौन सी अननोन वैल्यू रहेगी? एक्स, क्लियर? अब एक्स जो है आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 120 एक्सटीरियर एंगल है, इसके बिल्कुल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? 50 डिग्री एंड एक्स। देयरफोर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट? तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस 50 एंड दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट? हेंस एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर? तो ये अननोन वैल्यूज जो है एंगल एक्स और y की, x है 70 डिग्री और y कितना आ गया? 60 डिग्री, क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, दिस इज द गिवन डायग्राम जिसमें ये एंगल 80 डिग्री है दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज 50 डिग्री। अब देखिए बच्चे, यहां पे y एंड 80 डिग्री ये कौन से एंगल हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड वी नो दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सो y इज इक्वल टू, क्लियरली y इज इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन यहां पे दे देना आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? नेक्स्ट, जब ये आपका 80 डिग्री आ गया तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो ये मैं मार्क कर रहा हूं, इस ट्राइंगल में थ्री एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल एक्स, एंगल वाई एंड 50 डिग्री, एंड वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द टोटल मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देयरफोर x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? y हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो ये जो y इज इक्वल टू 80 डिग्री है वो यहां पे आपने पुट कर देनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वी गेट x प्लस 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आपने रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट? विच फर्दर इंप्लाइज एक्स प्लस 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री 130 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्लियर? हेंस एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। एक और पार्ट हम कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें भी हमने अननोन एक्स और वाई ही फाइंड आउट करना है। This angle is 50 degree, this is 60 degree, this angle is x and this angle is y. Clear? अब देखिए इस फिगर से क्लियर है कि x is an exterior angle of triangle and 50 degree and 60 degree with the two interior opposite angle to exterior angle x. Clear? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x is equal to 50 degree plus 60 degree because of एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या रीजन देंगे यहां पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट वाई 50 एंड 60, दीज थ्री बी द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। क्लियर? सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सो y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180, which further implies 110 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो y कितना आ गया, 180 माइनस 110 एंड दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। हेंस x इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए यहां पे आपने जो x फाइंड आउट कर लिया है तो y आप लीनियर पेयर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y की जो वैल्यू है, x प्लस y क्या है, दीज टू एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो x प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लीनियर पेयर से भी ये y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से भी ये आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों वे जो है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे ट्राई दीज पेज नंबर 122। ट्राई दीज पेज नंबर 122 एंड क्वेश्चन इज टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। किसी भी ट्राइंगल के टू एंगल्स आपको दिए हुए हैं, वन इज 30 डिग्री एंड अदर इज 80 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर? तो थर्ड एंगल हमने क्या सपोज कर लेना है, x, लेट द थर्ड एंगल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x डिग्री। क्लियर? देन By angle sum property of triangle, 80 degree plus 30 degree plus x, जो हमने find out करना है, and this is equal to 180 degree. Now 80 plus 30, 110, and then plus x is equal to 180 degree. Which further implies x is equal to 180 minus 110 and this is equal to 70 degree. Clear? Hence required third angle is equal to 70 degree. Clear? So this is the required answer. Next is second question. सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर टू, एंड क्वेश्चन नंबर टू इज वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 80 डिग्री. वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल. सपोज कीजिए ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसमें एक एंगल आपको 80 डिग्री दिया है, बाकी के दो एंगल्स हैं वो एंगल इक्वल है. तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका x, राइट. मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, किस क्वेश्चन में इस ट्राइंगल में एक एंगल दिया है और बाकी के दो एंगल्स जो ट्राइंगल में है वो इक्वल है. तो अगर एक हम x सपोज कर रहे हैं तो दूसरा भी क्या होगा x, राइट. क्लियर. सो लेट each angle and what we have to find out, we have to find out the measure of each of the equal angle, right, means humne ye equal angle find out karna hai. So let the each equal angle is equal to x degree, then by angle sum property of triangle, angle sum property of triangle 80 degree plus x is equal to 180 degree, right. Now 80 को उधर आप ट्रांसपोज कर दें, x plus x कितना हो गया 2x, 80 को ट्रांसपोज किया तो यह आ गया 180 minus 80 which further implies 2x is equal to 180 minus 80 100 and this is equal to 100. So x is equal to 100 by 2 and this is equal to 50 degrees. Hence each equal angle is equal to 50 degrees. So this is the required answer. So ye second part ho gaya aapka, second question. Try these page number 122. Next we will do question number 3. And question number 3 is, the three angles of triangle are in the ratio 1:2:1. एक ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल्स की जो रेशियो दी हुई है 1:2:1. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और इसको क्लासीफाई करके टू वे से क्लासीफाई करना है. Classify the triangle in two different way, means on the basis of angle and on the basis of side. दोनों वे से हमने उसको classify करके बताना है कि वे कौन सा type का triangle है. Clear? तो सबसे पहले उसके लिए हम ये angles find out करेंगे, right? So इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ratio दी हुई है तो हम क्या करेंगे, first angle x suppose कर लेंगे, second angle 2x and third angle again x, right? So let's फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, जब भी ऐसे रेशो में दिया हो आपको एंगल, तो आप ऐसे आप उन एंगल्स को पुट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं. लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, जो यहां पे रेशो में दी हुई है वैल्यूज x डिग्री, सेकेंड एंगल 2x डिग्री एंड थर्ड एंगल x डिग्री, राइट. देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, then by angle sum property of triangle, by angle sum property of triangle के according क्या होगा, इन तीनों angles का sum कितना होगा 180 degree. x plus 2x plus x is equal to 180 degree, right. 1, 2, 3, 3 and 1, 4 which implies 4x is equal to 180 degree, राइट. तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री. अब यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो x आ गया आपका 180 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर. अब हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो सारे एंगल्स अभी नहीं फाइंड आउट किए, सिर्फ x क्या है, फर्स्ट एंगल. इसका मतलब जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल is equal to x and this is equal to 40 degree, right. And second angle 2x degree means 2 multiply 45
and this is equal to 90 degree, right? And third angle, again x degree, so again it will be 45 degree. ठीक है, तो फर्स्ट एंगल आपका 45 आ गया, सेकेंड 90, थर्ड एंगल 45. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि क्लासिफाई द ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वे, इन टू डिफरेंट वे. अब देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करें इस एंगल को, तो ये एंगल ऐसे आपको दिखेगा, क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये एंगल 45 हो गया, ये एंगल भी आपका 45 हो गया. क्लियर? तो अब देखिए, टू डिफरेंट वे से अगर हम एक वे की बात करें, तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, तो फर्स्ट कौन सा हो गया, ये राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. अब सेकेंड वे जो है, सेकेंड वे नेक्स्ट जो है, अब देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब इनके ऑपोजिट जो साइड है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड सेम होंगी. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आइसोसेलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी करेंगे कि आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर जो भी साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा सभी ने, कि अगर आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो भी दो साइड इक्वल, आइसोसेलिस ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें कोई भी, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल. और जो साइड इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट जो बेस एंगल है वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है, ऑपोजिट जो बेस एंगल है, ये दो एंगल्स हैं, वो दोनों भी क्या होंगे, सेम. और अगर ये दोनों एंगल सेम है तो उनके ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, सेम. ठीक है, तो अगर हम साइड की बात करें तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलिस ट्राइंगल. तो सेकेंड वे क्या हो गया इसका, आइसोसेलिस ट्राइंगल. सो इन टू डिफरेंट वेज, फर्स्ट वे हो गया राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. अगर साइड की बात करें तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलिस ट्राइंगल. क्लियर? नेक्स्ट इज टू स्पेशल ट्राइंगल, नेक्स्ट इज टू स्पेशल ट्राइंगल. फर्स्ट है आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल. आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या है कि टू साइड, एनी टू साइड, कोई भी, ये मैंने जैसे ये ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, एनी टू साइड, टू साइड टू साइड हैव इक्वल लेंथ, टू साइड हैव इक्वल लेंथ, टू साइड्स एंड टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड बेस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल एंड बेस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ठीक है, तो ये नहीं कि ये दो साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल इनके ऑपोजिट देखना है. इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, तो ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल साइड के वो सेम होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड जो है वो दोनों सेम होंगे. ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी है आइसोसेलिस ट्राइंगल की, राइट. नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है कि ऑल द साइड्स हैव सेम लेंथ, all the sides have same length. जैसे ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दी तो इसकी तीनों साइड जो है उन तीनों की मेजरमेंट क्या होगी, सेम. एंड ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री, और सभी एंगल्स जो है कितने डिग्री के होंगे इस ट्राइंगल के, 60 डिग्री के. ईच एंगल
has measured 60 degree. Has measured 60 degree. Right? अब देखिए बेटा, इसी से हम रिलेटेड जो है ट्राई दीज पेज नंबर 123 के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. तो यही दो प्रॉपर्टी आपने उसमें यूज करनी है, आइसोसेलिस प्रॉपर्टी की, आइसोसेलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी या इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी. ठीक है, ट्राई दीज पेज नंबर 123. फाइंड द एंगल x इन ईच फिगर. फर्स्ट पार्ट इज This is x and this is 40 degree, right? अब देखिए, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है आइसोसेलिस ट्राइंगल की, टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ. अब ये दो साइड की जो लेंथ है वो सेम है, इसका मतलब इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है उनकी मेजरमेंट भी क्या होगी, सेम. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 40 डिग्री, और यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड equal sides are also equal. Right? Therefore, x is equal to 40 degree with the required answer. सिर्फ यहां पर आपने x ही find out करना है. अगर कहो कि find the other angle of the triangle also, then use angle some property of triangle to find the other angle of this triangle. Clear? एक तो आ गया आपका x 40 degree. अगर आपको ये भी कहा हो कि ये भी आपने find out करना है, तो angle some property use करके उसकी value आपने find out कर लेनी. Next, second part. ये side और ये side आपको equal दी हुई है, और आपने ये x फाइंड आउट करना है. ये 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री. अब देखिए ध्यान से, आपने अपने इस साइड के ऑपोजिट एंगल्स देखने हैं. इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल क्या है, ये 45 डिग्री. तो अब देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री. राइट? लेकिन डायरेक्ट आपने नहीं लिख देना, यहां पे इसको मार्क कर लीजिए एंगल वन. क्या मार्क कर लेना आपने, एंगल वन, वन टू थ्री, एक्स वाई जेड, एक्स को छोड़कर कोई कुछ और पुट कर सकते हैं आप. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल वन इज इक्वल टू 45 डिग्री. यहां क्या रीजन देना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ऑपोजिट टू इक्वल साइड साइड are also equal. Angles opposite to equal sides are also equal. Therefore, one is equal to 45 degree. अब देखिए यहां पे angle sum property use करके आपने x की value find out कर लेनी है. 45 degree plus 45 degree plus x is equal to 180 degree. Now, एंगल 1 प्लस x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट? एंगल 1 कितना हमने फाइंड आउट किया, 45 डिग्री, एंड देन प्लस 45 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. Now 45 plus 45, 90 को उधर ट्रांसपोज करें तो यह आ गया x is equal to 180 minus 90, and this is equal to 90 degree. Clear? Hence x is equal to 90 degree with the required answer.
क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज, ये भी ट्राइंगल बस आपको ऐसे ड्रॉ की हुई है, यहां पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये 50 डिग्री है, ये आपने एक्स फाइंड आउट करना है। तो सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे इसको भी फाइंड आउट करना है। तो इन दो इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल कौन से हैं? 50 डिग्री एंड एक्स, राइट? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। ये एंगल आपको 100 डिग्री दिया है, ये दो साइड्स इक्वल हैं और आपने एक्स फाइंड आउट करना है। अगर ये भी एंगल पता होता आपको तब जो है आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पे देखिए ये दो साइड्स इक्वल हैं, दीज टू साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम, राइट? इसको एंगल मार्क कर लीजिए 1, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। नाउ जब ये भी आपका x डिग्री आ गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो ये आ गया 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हंड्रेड को उधर ट्रांसपोज करें, x प्लस एक्स 2x, 180 माइनस 100 एंड दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 80 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। हेंस x is equal to 40 degree with the required answer. Clear? Next is question number 2. Question number 2. Question number 2 is, find angles x and y in the given figure. First part is, this is 120 degree, these two sides are equal, this angle is x and this angle is y, right? अब देखिए बेटा, इसमें हमने x और y find out करना है। अब x और y फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, इस एंगल को मार्क कर लेंगे एंगल 1, राइट? अब देखिए एंगल 1 मार्क कर लिया, तो यहां से एंगल 1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर पेयर, राइट? क्योंकि 1 एंड एंगल 120 फॉर्म लीनियर पेयर। नाउ
एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. राइट, अब 1 एंगल जो है, एंगल 1 जो है 60 डिग्री का आ गया. अब आप फिगर में भी देखिए, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है. इसका मतलब इसके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वाई एंड वन, इन ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम. क्लियर. ऑल्सो एंगल वन इज इक्वल टू वाई डिग्री. रीजन क्या देना है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल. राइट, देयरफॉर एंगल 1 जो है वाई के इक्वल आ गया है और एंगल 1 कितना है 60 डिग्री. बट एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री. जब 1 60 डिग्री है तो वाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री. तो वाई हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री. नेक्स्ट, एक्स एंड वाई दीज टू बी द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल टू एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री. तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं यहां पे कर रहा हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री. राइट, अब y की वैल्यू कितनी है, 60. y इज इक्वल टू 60. सो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 120 माइनस 60, 60 डिग्री. राइट, हेंस x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज ऑल्सो 60 डिग्री. Hence, x is equal to 60 degree and y is also 60 degree. So, this is the required answer. Next, एक और part कर लेते हैं इसका. Second part. Second part is अब देखिए इस फिगर में कोई एंगल मार्क नहीं किया लेकिन ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री का एंगल. क्लियर, तो एक एंगल क्लियर है इस ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री है और ये साइड इक्वल. ठीक है, इसका मतलब अगर हम इससे एंगल 1 मार्क कर लें तो एंगल 1 और x दोनों की मेजरमेंट क्या होगी, सेम. क्लियर, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल. देयरफॉर इन द गिवन फिगर, in given figure angle 1 is equal to x degree because angles opposite to equal side, angles opposite to equal side, opposite to equal side are also equal. तो x जो है 1 जो है x के equal आ गया, तो यहां पर आप x mark कर लें. अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ x प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. राइट, तो यहां से एंगल 1 भी जो x है तो यह आ गया x प्लस x और 90 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो यह आ गया 180 माइनस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट, सो x प्लस x कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 90. यहां से x फाइंड आउट कर लें, x इज इक्वल टू 90 ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री. राइट, अब देखिए यहां से जो y है, y किसके इक्वल होगा, x प्लस 90 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. या एंगल 1 और y ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो 1 प्लस वाई जो है वो 180 के इक्वल होगा. तो x हमें पता है, वहां से y आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अगेन
एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे रीजन देना आपने, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 जो है वो एक्स के इक्वल है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एक्स कितना है आपका, एक्स इज इक्वल टू 45, तो ये आ गया 45 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब यहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो y कितना आ गया, 180 माइनस 45 एंड दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री, क्लियर। हेंस x इज इक्वल टू, हेंस x इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 135 डिग्री विद द रिक्वायर्ड आंसर।